पब्लिक टीवी आपकी आवाज। सांसदों के निलंबन के विरोध में मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी ने प्रदर्शन कर केंद्र सरकार के विरुद्ध नारेबाजी की। सपा नेताओं ने केंद्र सरकार को बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की। सपा जिलाध्यक्ष डीपी यादव की अगुवाई में कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया गया। सपा नेताओं ने केंद्र सरकार के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की। जिलाध्यक्ष के साथ मुरादाबाद ग्रामीण के विधायक नासिर कुरैशी, बिलारी विधायक मोहम्मद फहीम, कांट से विधायक कमाल अख्तर ने कहा कि संसदीय इतिहास में पहली बार इतनी बड़ी कार्रवाई हुई है और विपक्षी दलों के सांसदों को लोकतांत्रिक तरीके से निलंबित किया गया है। लोकतंत्र को समाप्त करने का प्रयास किया गया है और सदन की मर्यादा को धूमिल किया जा रहा है। सपा इस कृत्य का विरोध करती है। सपा मुखिया अखिलेश यादव के निर्देश पर प्रदर्शन किया गया। राष्ट्रपति के नाम जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया गया। सपा नेताओं ने कहा कि अलोकतांत्रिक तरीके से विपक्षी दलों के सांसदों को निलंबित कराने वाली भाजपा सरकार को समाप्त कर देश में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। नहीं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आह्वान पर ही ये धरना प्रदर्शन था। बाकी दल है पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के अलावा, इस संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए सब लोग अपने अपने पार्टी इस तरह से कर रहे हैं, तो इसे अदरवाइज नहीं लेना चाहिए। नहीं, जहां दिल्ली में एक साथ मिलकर प्रोटेस्ट किया जा रहा है, नहीं वो पार्लियामेंट का प्रोटेस्ट था, उसमें सब दल शामिल थे। ये धरना धरने में भी अगर अलग अलग भी हो रहा है तो इसमें कोई ऐसा वो नहीं है कि कोई अलग बदला निकाला जाए। मंत्री भी है, आगे सीट शेयरिंग को लेकर किस तरह से देखते हैं? ये माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के राष्ट्रीय स्तर का मामला है। हम लोग एक समाजवादी पार्टी के छोटे से कार्यकर्ता हैं, जो राष्ट्रीय नेतृत्व का आदेश होगा उसका पालन करेंगे। देखिए, 144 सांसदों का निलंबन जो हुआ है वो पूरी तरीके से असंवैधानिक है और जो ये लोकतंत्र की हत्या हुई है उसके विरोध में आज हम सारे लोग यहाँ पर आए हैं। हमारे माननीय विधायक जी हैं, पूर्व हमारे जिलाध्यक्ष जी, हमारे मौजूदा जिलाध्यक्ष जी और हम सभी लोग इस बात की घोर निंदा करते हैं। संसद भवन में सांसद चुनकर जाते हैं और अपनी आवाज़ आवाम की आवाज़ के रूप में रखते हैं। आवाम की आवाज़ नकारे खुदा है। अगर आप आवाम की आवाज़ को नहीं सुनेंगे तो ये संवैधानिक दायित्वों का हनन है, हम इसकी घोर निंदा करते हैं। लगातार कहा यह जा रहा है कि इंडिया गठबंधन प्रदर्शन करेगा, लेकिन आज धरातल को कुछ और ही यहाँ पर देखने को मिल रहा है, अलग अलग पार्टियाँ अलग अलग। देखिए, 144 सांसद जो हैं वो सभी पार्टीज़ के हैं जो विपक्ष की पार्टीज़ हैं, तो मैं समझता हूँ जब हम उन 144 सांसदों के लिए यहाँ पर आए हैं तो वो तो एक तरीके से देखा जाए पूरे विपक्ष के साथ हम लोग खड़े हैं, क्योंकि शॉर्ट नोटिस था, किसी ने पहले किसी ने बाद में, इस तरीके से ये पूरा विरोध हुआ है। और ये विरोध कोई अकेली पार्टी का नहीं है, पूरे हिंदुस्तान के लोगों का विरोध है ये, क्योंकि हिंदुस्तान के लोग चुनकर भेजते हैं, वो सांसद जो है आवाम की आवाज़ को लेकर पहुंचता है। तो आज पूरा हिंदुस्तान इस बात का विरोध कर रहा है कि संवैधानिक दायरों का, संवैधानिक पदों का, जो माने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब के संविधान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, उसके साथ खिलवाड़ नहीं किया जाना चाहिए। मिमिक्री का एक पूरा मामला चल रहा है, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि बीजेपी लगातार ये कह रही है कि जाटों का अपमान किया गया है, संविधान का अपमान, लोगों का अपमान। देखिए, हम लोग संसद भवन के अंदर क्या हो रहा है, संसद भवन के अंदर जो निलंबन हुआ है उसके विरोध में है, बाहर क्या हुआ इसके ये जांच का विषय है, आप जांच कराइए। लेकिन हम संवैधानिक पद पर हैं, ऐसे में आपकी क्या प्रतिक्रिया? मेरी प्रतिक्रिया ये है कि सांसद जो होता है वो आवाम की आवाज़ होता है, आवाम की आवाज़ नकारे खुदा होती है। आवाम का हनन करने का अधिकार किसी को नहीं है, न किसी सरकार को है। सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए और बाहर कोई क्या कर रहा है इस पर बात नहीं हो रही। वो जो मंदिर है लोकतंत्र का जो बना है संवैधानिक दायरे में, संवैधानिक दायरे का हनन करना किसी को भी बर्दाश्त नहीं करना चाहिए और संवैधानिक दायरे को हनन करने वाली सरकार को हटा देना चाहिए। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।